सो गाइस, आज हमारे एसी वाले ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का पांचवा दिन है और आज हम सीख रहे हैं कॉपर के पाइप को आप किस तरीके से वेल्डिंग कर सकते हैं। ऐसा होता है जब हम एसी फिटिंग कर रहे होते हैं तो उस दौरान हमें एसी के पाइप छोटे पड़ जाते हैं, तो हमें क्या करना होता है, मार्केट से दूसरी एसी पाइप खरीद के लाना है और उस पुराने वाले पाइप के साथ हमें ज्वाइंट मारना पड़ता है जो हमारे साथ एसी के साथ आती है। तो उसी को लेकर गाइस हम यहाँ पे कॉपर के पाइप को ज्वाइंट करने के बारे में बताने वाले। तो ये हमारे पास एलपीजी सिलेंडर, इसको ब्यूटेन गैस बोलते हैं, ब्यूटेन गैस, और ये हमारे पास इसके ऊपर लगने वाला टॉर्च है। तो इसको इस तरीके से सेट कर सकते हैं, ये आसानी से सेट हो गया है। और ये हमारे पास कॉपर के पाइप है, ऐसे दो टुकड़े ले लेने हैं और इसको हमें वेल्डिंग करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और एक चीज और एक हमारे पास वेल्डिंग गन भी होना चाहिए, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो तैयार कर रखा है, एक बारी मैं आपको फिर से दिखाता हूँ इसे हमने किस तरीके से तैयार किया है। ये हमारे पास ऊपर की टॉर्च है, आप देखोगे इसके अंदर खांचे बने हुए, ये इस तरीके से जाता है जब जाके हमारे एलपीजी में ब्यूटेन गैस में ये पैक हो जाता है। देखो आप ये देख रहे हैं, जब अंदर जाके फैल जाता है फिर हम ऐसे करते हैं तो बाहर ये निकल जाता है। तो इसी तरीके से हमें इसको लगा लेना है इसके अंदर, ये हमारा इसके अंदर लग गया है। अब हमें इस यहाँ पे हमारे पास कॉपर का पाइप है, आप देख सकते हैं। तो इस कॉपर के पाइप को मैंने दो टुकड़े में काट रखा है और आगे से मैंने ये वाला पिछले टॉपिक में आपको बताया था कि दो पाइप एक साइज के दो पाइप को किस तरीके से आप वेल्डिंग करने के लिए आपस में लगा सकते हैं स्विंग टूल की सहायता से, टिम्बल वाली स्विंग टूल की सहायता से। तो मैंने इसको थोड़ा सा मोटा कर लिया, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा इस पाइप को हमने कैसे मोटा किया तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख लेना। तो ये हमने यहाँ पे इस तरीके से एक पाइप को मोटा करके यहाँ पे रख दिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसकी वेल्डिंग करनी है। मैंने आपको वेल्डिंग रड नहीं दिखाया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारे पास वेल्डिंग रड है इसकी, हम ऑन करते हैं इसके। चाहे तो आप इसे घर वाले घर पे जो हमारे लाइटर होते हैं उससे भी जला सकते हैं, क्योंकि ये वही गैस होती है जो हमारे घरों में इस्तेमाल की जाती है, या फिर माचिस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें इसके ऊपर हीट मारनी है, जब हमारा कॉपर थोड़ा लाल हो जाएगा तब जाकर हम इसके ऊपर वेल्डिंग वर्क को घिसेंगे और इस तरीके से कटाएंगे और ये हमारा वेल्डिंग हो जाएगा। पहले हम वेट करते हैं कॉपर के लाल होने का। यहाँ पे हमारा कॉपर गर्म हो गया है तो मैं वेल्डिंग गन को रख रहा हूँ और ये हमारी आसानी से वेल्डिंग गन पिघल रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने इसे वेल्डिंग कर दिया है। आप देख सकते हो, तो इस तरीके से आप भी वेल्डिंग कर सकते हो। अगर आपको एक जगह से दूसरी पाइप छोटा पड़ रहा है तो आप उसे बढ़ा सकते हो पाइप वेल्डिंग करके। तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया गाइस, कि कॉपर की पाइप को किस तरीके से आप वेल्डिंग करते हैं।